I've been counting down the days, counting down the days. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਹਰਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਊਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸ਼ੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ। So I'm counting down the days to get out. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to नारागढ़ फोर्ट विच शीश महल ते वैक्स म्यूजियम ते एक होर म्यूजियम सी आपां घूम लिया। उत्थे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं सी तां ओह आपां शूट नहीं कर पाए। ते हुण अगे थोड़ा जिहा महल होर हैगा, तुहानूं दिखाने आं फोर्ट, बाकी अगे दिखाना जो जो बनता। गाइज आपां नाहरगढ़ फोर्ट चों निकल चुके हैं, आह आपां जिहड़ा बनाया जी। आपां फिर जैगढ़ फोर्ट चले हैं अगे, ओह काफ़ी वड्डा फोर्ट है। तो आपां क्या दो फोर्ट की घूमना, इतने आप शीश महल तो म्यूजियम वगैरह घूम ले, तो हूँ अगे जैगढ़ फोर्ट से जाके फोर्ट सारा घूमते हैं, क्योंकि उस तो बाद रात आप अमेर फोर्ट भी जाना है, जोड़ा मेन फोर्ट है सिटी का, जोड़ा पुराना फोर्ट से। तो हूँ आप निकलन लगे इतों, तो अगे जाके दसदा फिर। तो आप हूँ जैगढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं, इतों कार दे विच ही जांदा। यहाँ पे लगाऊं? नहीं सीधे चलो। अच्छा अंदर। वो जो दुनिया की सबसे बड़ी कैनन मैं बता रहा था, अष्ट धातु की बनी हुई कैनन है, चलते रहो सीधे रोड रोड। अष्ट धातु मतलब आठ, अष्ट धातु जैसे तांबा, सोना, चांदी, पीतल। अच्छा लगता। ये जो खड्डा देख रहे हो ना इधर की तरफ, खुदागवाह मूवी में अमिताभ बच्चन का जो जेल का सीन है वो यहीं का ही है, पत्थर तोड़ने का। कौन सा था? खुदागवाह मूवी। अच्छा, चलो ऊपर ही नहीं, चलो आप गाड़ी गाड़ी आ रही है। जब हम जैगढ़ फोर्ट आ गए हैं तो कार भी फोर्ट ऊपर तक आ गई है, काफी एक्सेसिबल सेगा बाय कार थोड़ा बहुत। तो हूँ अगे चलने आप फोर्ट के अंदर दिखाने। इस रस्ते तो आप कार आई है उपर, वापसी का दिखाऊंगा रस्ता, काफ़ी स्टीप सेगा पर आ गए आप, चलो अगे देखते हैं। के जो वाले स्वास्थ्य के जो निशान बने हुए हैं वो राजा महाराजाओं द्वारा किए हुए हैं, आप इसको फोटोग्राफी करके और वहाँ से चढ़ के इधर ऊपर आ जाना, फिर मैं आपको और कुछ बताऊँगा। हाँ गाइस, मेरे पीछे होना ये वर्ल्ड की सब तो वड्डी कैनन,
ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਕੈਨਨ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ 1800 ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਕੈਨਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੈਨਨ। अरावली हिल्स, हाँ ये अरावली हिल्स है पूरी। ठीक है, वो जल महल भी दिख रहा है। ये बता रहा हूँ इसके बारे में सर, मैंने आपको बुलाया था, आप इधर आओ, ये बाकी लोग भी आ जाए इधर। उन्होंने इस फोर्ट के अंदर एक वाटर टैंक का निर्माण कराया, 52 फुट गहरा कैपेसिटी, 10 लाख गैलन पानी, 10,000 आदमी 2 साल तक उसको यूज कर सकते हैं। टैंक बन गया तो पानी कहाँ से है? तो उन्हीं इंजीनियरों द्वारा, ये टावर देख रहे हो आप, इसका डिस्टेंस है इस फोर्ट से 5 किलोमीटर का। और ये नहर हुआ, देखिए नहर वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पहाड़ों का ढलान किधर की तरफ है आप देख सकते हो आराम से, आइए यहाँ से देख रहे हो। तो बरसात का पानी जब बरसेगा तो वो पहाड़ों का बरस के ये नहर द्वारा इधर आके, ये नीचे जाली दिखी है आप, इस जाली में से अंदर नीचे जाके आइए। आइए सर, यहाँ से निकलता हुआ ये देखिए आप, और अंडरग्राउंड होते हैं। अच्छा, हाँ, वो सामने बाइक मोड दिख रहा है, हाँ, वहाँ पे वाटर टैंक है, वहाँ जाके वो पानी इकट्ठा होता है। आइए हमारे, आइए सर आइए। मैंने वो हिस्ट्री क्या बीच में छोड़ दी थी वाटर टैंक वाली, 10 जून 1976 को इनकम टैक्स की टीम रेड पड़ी रॉयल फैमिली से, और ऑपरेशन चलाएगा उस वाटर टैंक में। मानसिंह का जो खजाना था ऊपर पानी, नीचे पर्स, पर्स के नीचे गोल्ड। लोग कहते हैं 50 रुपये गोल्ड की ले गई, कोई कहते हैं 60 ले गई, लेकिन इस बात को सच्चाई सच क्यों माना जाता है? 3 दिन तक ये रोड सील थी, दिल्ली तक कोई नहीं आता था, पूरी रोड पर आर्मी थी। इस बात को सच ऐसे बताया जाता है कि अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, पहली बात ये। दूसरी बात है, उस समय इंडिया में 10,000 का नोट चला था, आपको याद हो तो, जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बंद किया था। तो अब ये सच है या झूठ है, इस चीज़ का देखो कोई नहीं बोल सकता। मोदी सरकार भी ये मानती है कि 30% खजाना अभी भी फोर्ट में है। दूसरा बात करते हैं इस फ्लैग की, इस फ्लैग को बोलते हैं सवाई फ्लैग, 5 कलर वाला एक फ्लैग है, सवाई बोले तो 1.25 रुपये। छोटा फ्लैग, अगर रॉयल फैमिली जयपुर में रहती है तो ये छोटा फ्लैग लगा देते हैं, इसमें हॉर्न है, और नहीं होती तो इसको हटा देते हैं, ये संकेत देता है इस चीज़ का। अब आप उधर आइए, मैं आपको बताता हूँ 5 जुलाई को बिजली कहाँ गिरी थी। तो लेफ्ट वाला जो बास टावर है वहाँ पे 5 जुलाई को बिजली गिरी, तो 4 लोग मारे गए पहले, तो फिर लोग हेल्थ के लिए ऊपर गए, तो 25 मिनट बाद वो दोबारा बिजली गिरी, फिर 24 लोग मारे गए, ऐसे टोटल 28 लोग मारे गए। इसको बोलते हैं माउटा लेक, सामने है जो। कौन सी लेक? माउटा लेक, माउटा लेक, हाँ। और वो जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है आपको, हाँ जी, वहाँ पे रॉयल फैमिली के सैफ्रॉन की खेती होती थी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने माहौल इस टाइप से बना दिया था, बिल्कुल ठंडा। फेस देख के ये बता देते थे कि भाई ये बंदा घिया नहीं खाएगा, ये मिर्ची नहीं खाएगा, ये चीनी नहीं खाता, ये खासियत थी। 1972 में उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। अब उनके लड़के बैठते हैं उस रेस्टोरेंट में, जब भी मैंने आपको लंच के लिए पूछा था, चूरमा दाल बाटी बहुत फेमस डिश है, जो बिल्कुल प्योर देसी घी में बनती है यहाँ पे। दाल मखानी वगैरह ये भी है, लेकिन चूरमा दाल बाटी फेमस डिश है मैडम। इनका जो घी आता है वो मथुरा से आता है, प्योर गायों का, शुद्ध देसी घी। रॉयल फैमिली जब जयपुर में रहती है तो यहीं से खाना पैक होके जाता है। अच्छा, ये
उनके लड़के बैठते हैं दिलीप सिंह सिखा, तो इनको क्या फोर्ट में जगह दे दी गई है, क्योंकि रॉयल फैमिली पांच साल में ज्यादा 10-15 दिन ही रहती है जयपुर। अच्छा, फिर कहाँ पे रहते हैं वो? उसका व्यापार वगैरह है सर, बिजनेस है, इधर से राइट लेना है, वो वाटर टैंक वो है ये सामने देख रहे हो प्लेन साहब, ये है वाटर टैंक। अच्छा, यहाँ पे पानी होता है, इधर से आता था ना पानी, मैंने बताया था वहाँ से, इसमें इकट्ठा होता था वो पानी। अच्छा, काका बोलते हैं इसको हिंदी भाषा। अच्छा, टैंक को। हाँ हाँ, पानी ऊपर से नीचे गिरता था, इसमें बीच में पड़ता ही रहता था, एक आदमी उसमें से घुमाता ही रहता था। आ जाओ, हाँ पुराने टाइम दे एसी कूलर नहीं होंगे जदों हवा हुआ करने ली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये वहाँ रखते थे ना गाड़ी, तो वो बजाओ और कंप्लेंट लिखाओ। अच्छा, राजा दूसरे दिन यहाँ आएगा तो यहाँ बैठेगा, इधर पब्लिक उधर पब्लिक और इधर दोनों पक्ष, दूसरे दिन राजा उनका यहाँ पे फैसला सुनाएगा, तो इसको बोलते दीवाने आ। और ये गाड़ी